अब थोड़ी बिंदास वाली मस्ती करते हैं। डायमंड हेड नहीं, कैनन बोल्ट। यस, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कैनन बोल्ट डाइव करेगा। अमा यार, ट्रक को अभी अभी धोया था। ये मेरी बेस्ट डाइव थी। खाना चाहिए। अमा यार, ट्रक को अभी अभी खरीदा था। तुम सही थी, मुझे एक फिल्टर की जरूरत है। मदद करोगी? देखो, लगता है वो घायल है। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं होता, वो डूब रहा है। उसकी कहानी खत्म। शाबाश बेन। या, मैं बेस्ट हूँ, तुम इसे नहीं रोक सकती सिस, मेरा जवाब नहीं। मैं इतनी जल्दी खुश नहीं होता। क्यों नहीं, मैं हमेशा थोड़ी ना एक हाइड्रोमैंडर को मिट्टी में मिलाता हूँ। वो तबाह नहीं हुआ है बेन, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डुप्लीकेट बनाना जरूर वो दूसरी चीज है जो ये जागने पर करता है। Well, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा एलियन बनो जिसे अच्छे से जानते हो, जैसे हीट ब्लास्ट। ओके, हाँ, हीट ब्लास्ट। अब तुम्हारा मुकाबला होगा आग के गोलों से, क्योंकि अब आ रहा है तुम्हारे सामने फायरबॉल। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी है। इसे भी कहते हैं फायरबॉल। ओके, और गोले भी आ रहे हैं। कर दी ना तुम सबकी छुट्टी। वेन, ये तो बहुत सारे हैं और अब गोले भी नहीं बचे हैं। वेन, नहीं। हमला। पानी और आग, मुझे ये पहले सोचना चाहिए था। जल्दी मुझे खींच लो, हुक इस्तेमाल करो। हम उस तक नहीं पहुंच सकते, वो चारों तरफ मौजूद हैं। बेन, अपना बेन ट्यूशन इस्तेमाल करो। उसी की वजह से तो मैं मुसीबत में पड़ा था। ऐसा नहीं है, मेरी वजह से तुमने खुद पर शक किया और मुसीबत में पड़ गए। तुम्हारा बेन ट्यूशन बहुत ही बेमिसाल है। मैं क्या बोल रही हूँ। किसी ने अंडर वाटर जीव को बुलाया है। अपने गलते ना मानने वाले मुझे पसंद नहीं। ये जमीन पर कमजोर पड़ जाते हैं, इसका मतलब हिलना मत छुटकू। बेन, उन्हें जमीन पर ले आओ। क्या? बस वही करो जो तुम हमेशा पानी में करते हो। सच में? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। डाइव कर रहा हूँ। ये खूबसूरत पल अब कभी खराब नहीं होगा। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। पानी के बाहर काफी क्यूट लगते हैं। हो गया। बेन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम्हारा बेंडिशन बिल्कुल सही रहता। कोई बात नहीं, मानो या ना मानो, पर कभी कभी तुम्हारा फिल्टर भी काम करता है। थैंक्स, बस हमारे काम करने का तरीका अलग है। मेरा तरीका थोड़ा सोचा समझा वाला है और तुम्हारा वाला तेज तर्रार और बेहिसाब टेंशन वाला। डाइव कर रहा हूँ। क्या उसने वा...
वाकई ये फिर से किया? निकलो यहाँ से। बार बार बीच में क्यों आ रहे हो? क्लासिक, बेशक मेरे पास वक्त कम है, मुझे खोजी चाहिए, लेकिन कौन? फिल्मी स्क्रीन वाली नफरत इससे बात बन जाएगी। चमत्कारी आय फोटान, उस मॉन्स्टर को दो नजर का वरदान, अंधेरे से मुझे बख्शो, उसकी भूख को रास्ता दिखाओ और मुझे रोशनी का दरवाजा दिखाओ। ये तो असली है, भागो भागो, आते से हट जाओ। ए, तुम लाइट कैसे खा सकते हो? चलो जा, चलो जा, ठीक है ले लो। मानना पड़ेगा ये इफेक्ट्स मेरी सोच से कहीं बेहतर है। पर मुझे नहीं लगता ये फिल्म का हिस्सा है बेन। शायद मैं तुम्हारी बेकार फिल्म में घुस रहा हूँ। क्या हमें ग्रैंडपा को जगाना चाहिए? रहने दो, यू गया और यू आया। पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी को हम इस बारे में कैसे समझा पाएंगे। ठीक है डैड, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? दूर रहो। क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता? शायद वो लाइट खा रहा है। लाइट? हाँ ओके, मिठाई के लिए जगह छोड़िए ना। ये क्या कर रहे हो? वो मॉन्स्टर सामने है। डरो मत, तुम्हारी सारी बेकार फिल्मों ने मुझे इसके लिए तैयार किया है। तुम उसे और क्यों खिला रहे हो? ये क्लासिक मूव है मैंडोलिन, मॉन्स्टर को ज्यादा खिला दो फिर वो फट जाएगा। लगता है ये बड़ा हो रहा है। ये वो रोमांचक पल है जो फटने से पहले आता है। और अब क्या? तुमने कहा था फटेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो जानवर जो सब खाता था, हेडलेस एंग्री से डरो, मैं एक टीनेज टीनेजर थी, उन सारी फिल्मों में ज्यादा खिलाने से काम बन जाता था। मुझे याद नहीं कि उन फिल्मों में ऐसा कुछ हुआ था। कहानी में ट्विस्ट। ग्रैंडपा, हम उस पहाड़ी में मॉन्स्टर के पीछे जा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं, उस नासमझ टेनिसन ने इसे बहुत ताकत दे दी है, अब वो पूरा का पूरा कुआं खाली कर देगा और मैं नहीं, अभी नहीं, अब मैं क्या। वाह, यहाँ से भी रोशनी गायब हो गई। आठ बजे, ये क्या है? सब हटिए, हम देखते हैं। बेन, जल्दी कुछ बड़ा और ताकतवर बनाओ जो इस भयानक चीज को रोक सके। कुछ बड़ा ताकतवर? रुको, नहीं ताकतवर नहीं, जिम्मेदार। इस नए फॉर्म के साथ मैं उस कैडोबेज को रोक पाऊंगा एक जिम्मेदार तरीके से। ये मैं हूं प्यारे दोस्त। मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। रुको, मैं हूं तुम्हारा साथी। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर अचानक इतना बदलाव कैसे आया। क्योंकि तुम बुद्ध हो टेनिसन। डॉक्टर एनिमो, मुझे देखकर बहुत मजा आया कि कैसे तुम मेरे जानवर के प्यार में पड़ गए और फिर उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। अब जब दिल टूट ही गया है तो बाकी चीजें भी तोड़ देते हैं। वो मेरे प्यारे कैडबेट को कंट्रोल कर रहा है, वो भी कान पर रखी एक मशीन से। देखते हैं ये प्लाज्मा हाथ मेरी कितनी मदद कर पाते हैं। मुझे डॉक्टर एनिमो के कंट्रोल डिवाइस को हासिल करना होगा किसी भी हालत में।
ये क्या हो रहा है? उसे खत्म करो मॉन्स्टर, तुम्हारे बनाने वाले का हुक्म है। तुम्हारा माइंड कंट्रोल बटन अब बेकार है। तुम बहुत बुरे हो एनिमो, अपने फायदे के लिए मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करते हो। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मजा जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना है। मैं जानता हूँ जब चीजें समझ में नहीं आती तो अजीब लगती हैं, लेकिन तुम सही हो, कभी कभी काम खुद खत्म करने का अलग मजा है। छोड़ो मुझे मिलावटी जानवर कहीं के। कदाबिट, तुम सही हो एनिमो, ये 10 साल का बच्चा तुम्हें नहीं हरा सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन सच का सामना करने के लिए, कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तुम्हारी लंबी बकबक की वजह से मेरा ओमनीटिक्स रिचार्ज हो गया। पिच बॉय यहाँ आओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ जेनिसन, मैं बदला लेकर रहूंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे बस उस कदाबिट को ढूंढना है। किसको? आ जाओ। आपको क्या लगता है ग्रैंडपा, मैंने इसे काफी जिम्मेदारी से संभाला है ना? हे, वापस आओ। पेन एनिमो ने इसे एक पेट जैसा नहीं बनाया, और फिर ये पूरे समर रस बकेट में बंद होकर नहीं रहना चाहेगा। हाँ, आपने सही कहा, तो अब इसका क्या करें? देखा बेन, ये जगह परफेक्ट है। हाँ, ये काफी खुश लगता है, ये काफी जिम्मेदारी का काम है। तुम्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया छोटू। माना कि इस वक्त मैं पेट की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मुझ में सच का सामना करने की जिम्मेदारी तो है। हे, इसका मतलब अब मैं इतना जिम्मेदार हो चुका हूँ कि एक पेट कोशिश कर रहा।